कल की के रिव्यूज़ कुछ जो आ चुके हैं भाई, कुछ मूर्खों को एक बात समझ में आती ही नहीं है। मतलब हज़ार बार समझाओ फिर भी इन लोगों को, भाई ये रिव्यूज़ क्या है क्या है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि ये मेरा रिव्यू नहीं है, ट्विटर रिव्यूज़ है ये। और कुछ जगह पे स्पेशल स्क्रीनिंग जब हुई थी, एक बात है जब कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज़ होती है उससे पहले कुछ जो स्टैंडिंग ओवेशन वगैरह जो मिला था, वो जो न्यूज़ आई थी आपको कल्कि की, सेंसर बोर्ड ने जब स्क्रीनिंग किया था वहाँ पे, उन लोगों में जहाँ पे कुछ मीडिया वाले इनवाइटेड थे उन लोगों की तरफ से आए हुए ये रिव्यूज़ होते हैं। कुछ लोग डिक्लेयर कर देते हैं फाइनली कि भाई हमने देखी है, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग उस दिन रिव्यू देते हैं। तो भाई वो लोग थे जिनके रिव्यूज़ मैंने दिए थे। तो इसमें फेक है, ये है, वो है, तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि फेक है या रियल है। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरे रिव्यूज़ है ही नहीं कि मैंने दिए, मैं क्योंकि वो पब्लिक डिमांड है। जब आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो है, कुछ लोग हैं जो वो देते हैं रिव्यूज़, उन्होंने भी दिए हैं, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। नहीं भाई आपको प्रॉब्लम आ रही उसने दिया तो, रियलिटी तो वही है ना भाई कि है तो है, अब आए हैं वो रिव्यूज़, अब मैं ही क्या कर सकता हूँ इसमें। एनीवेज मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन दूंगा। बात ये है कि जो ट्विटर के रिव्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ओके, ऑलमोस्ट बहुत से। आई थिंक सुबह 5 एक ही वीडियो में मैंने 3 से 4 रिव्यूज़ दिए थे। कल रात को भी लाइव ट्विटर रिव्यूज़ आए थे और आज और कल सुबह को भी कुछ रिव्यूज़ दिए थे। अरे पब्लिक डिमांड थी, मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई कि व्यूज़ के लिए मैं करूँ, आई डोंट केयर। बात यह है कि रिव्यूज़ आए थे तो दिए, बात ख़त्म वहीं पे। और कुछ लोग, और ये भी नहीं कि मैंने भाई सिर्फ रियल रिव्यूज़ नहीं दिए या फिर सिर्फ तारीफ़ वाले दिए। अब जाके देख लो सारे रिव्यूज़, जाके देख लेना, उसमें एक 2.5 रेटिंग वाला भी है, 5 रेटिंग वाला भी है, 4 वाला भी है। तो मैं ऐसा नहीं कि फुल प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ। कुछ हेटर्स को लग रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव ही रिव्यूज़ आपने दी बताए। अब ट्विटर पे अगर सारे ही पॉजिटिव थे उस टाइम पे रिव्यूज़, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ फिर भी एक 2.5 रेटिंग्स वाला बताया ना मैंने, तो भाई पहले ब्लेम करना, बिंदास करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक ही बार के लिए मैंने ये वाला वीडियो बना के रखा है। ट्विटर के जो रिव्यूज़ जो है, मीडिया रिव्यूज़ बोलो या फिर क्या अर्ली स्क्रीनिंग वाले रिव्यूज़ बोलो, एक बात ज़रूर कहूँगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। मूवी रिलीज़ हो रही है 27 को भारत में, 26 को भी कुछ जगह पे हो रही है रिलीज़ आईमैक्स में। तो बाद में रोना मत कि अगर रिव्यूज़ आए तो, क्योंकि भाई इन्विटेशन होता है बहुत से क्रिटिक्स को प्रीमियर का, और कुछ जगह पे तो प्रीमियर के इन्विटेशन नहीं हुए तो भी पैसा दे के भी, मुंबई वगैरह में आप प्रीमियर के ज़्यादा खर्चा होता है उसके लिए, लेकिन तो पैसा दे के भी आप देख सकते हो। प्रीमियर का टिकट महंगा होता है बाय द वे। ये बात जब तक समझ में नहीं आती है, कुछ पता ही नहीं है, तो भाई बात करके क्या फ़ायदा है इन लोगों से। तो वो रियल रिव्यूज़ थे, जिन लोगों को डाउट था मैं पहले ही बता दूँ, फॉलो करो वो रिव्यूज़। और एक बात ज़रूर कहूँगा, ऑलमोस्ट 3, 3.5, 4, 5 टाइप का अगर रेटिंग आती है फिल्म को, जो कि ऑलमोस्ट आ चुकी है सब जगह पे, जिन जिन लोगों ने देखी है मीडिया की तरफ से, अब आप इनको समोसा वाले बोलो या रियल वाले रिव्यूज़ बोलो, आई डोंट केयर अबाउट इट। बात यह है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, इसलिए इन लोगों को शायद मिर्ची लगी है।